बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, लफ्ज़ प्रोडक्ट से ही पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी? क्या या नंबर्स की? नहीं, यहाँ पर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि वेक्टर्स हों आपस में, या हम ऐसे कहें कि दो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन है। जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हों और जो रिजल्टेंट हमें मिले जो क्वांटिटी, वो नेचर के हिसाब से अगर स्केलर हो तो हम कहेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है। तो सिंपली हमने यहाँ पर डिफाइन भी किया है, व्हेन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो हम इसे कहते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो और उनके बदले में जो न्यू क्वांटिटी हमें मिले उसे हम वो भी स्केलर हो, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो प्रोडक्ट हमने की है वो स्केलर प्रोडक्ट है। अच्छा, ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीप्लाई करने के वक्त उन दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट पुट की जाती है। तो इसी वजह से इसके इस तरीके कार मल्टीप्लीकेशन के इस तरीके कार की वजह से इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है द स्केलर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय पुटिंग अ डॉट बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में डॉट पुट करने से उसे हम इंडिकेट करते हैं, यानी कि जैसे यहां पर ए डॉट बी, ये डॉट जो है ये दो वेक्टर्स की आपस में प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रही है, तो इसीलिए इसे दूसरा नाम दे दिया गया डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, फर्दर हम आगे इस हवाले से डिटेल में बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन के हवाले से फॉर्मूले को भी मद्देनजर रखते हुए हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन को। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब सपोज करें कोई भी दो वेक्टर्स, क्योंकि प्रोडक्ट करनी है दो वेक्टर्स के बीच में करनी है तो कोई से भी लेने पड़ेंगे। हमने यहाँ पर एक ए लिया है, दूसरा हमने लिया है बी, तो दो वेक्टर्स के बीच में जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसे हम डिफाइंड ऐसे करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, यानी कि दोनों वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड है इनकी प्रोडक्ट एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और ये दोनों वेक्टर जिस एंगल एक दूसरे के बीच में जो एंगल बना रहे हैं उसके कोसाइन के साथ भी इसे मल्टीप्लाई किया जाता है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर दो कंसीडर कर रहे हैं वेक्टर, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, और उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा बन रही है। तो ए डॉट बी यानी कि ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल्स टू ए बी, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा। अब ये कोसाइन जो है हमारे पास ये कहाँ से आया, किस तरीके से आया, आगे हम बात करते हैं इसकी सेकेंड डेफिनेशन की, तो वहां से ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड डेफिनेशन जो है वो किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है उसे डिस्कस करते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विथ कंपोनेंट आर प्रोजेक्शन ऑफ द सेकेंड वेक्टर बी। यानी कि जब हम स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की करते हैं वो हमेशा बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, जो कि हमारे पास वन वेक्टर यानी कि पहला वेक्टर जो ए है उसकी मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, जो वेक्टर बी यानी कि सेकेंड वेक्टर है उसके कंपोनेंट के साथ या उसकी प्रोजेक्शन के साथ। किस तरीके से, देखिए यहां पर हमने दो वेक्टर्स दिखाए, एक ए वेक्टर दूसरा ये बी, इन दोनों की आपस में डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी के साथ। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर ए, तो ए का ये मैग्नीट्यूड विथ द कंपोनेंट आर प्रोजेक्शन, यानी कि बी जो है उसकी प्रोजेक्शन जो कि वेक्टर ए पे बन रही है वो, या जो उसका कंपोनेंट जो कि ए पे बन रहा है, जो कि हम कह रहे हैं बी की प्रोजेक्शन ऑन ए इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंपोनेंट। तो हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और इन अदर वर्ड्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए को हमने यहां पर लिख दिया है बी, और ये छोटा सा ए जो यहाँ पर है वो इंडिकेट कर रहा है यानी कि बी की प्रोजेक्शन ऑन ए। अच्छा, बी की प्रोजेक्शन जो ए पे है वो इंडिकेट कर रही है बी कॉस थीटा, यानी कि वो कंपोनेंट कौन सा है, बी कॉस थीटा। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर रेफरेंस भी दे दिया है क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए इज इक्वल टू कौन सा कंपोनेंट, बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर यही प्रोडक्ट हम ऐसे कहें कि जैसे ए डॉट बी कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर हम इसे उलट करें, जगह तब्दील करें, बी डॉट ए करें, तो फिर क्या रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा वो भी देखते हैं। पड़ता है तो ठीक है, नहीं पड़ता है तब भी ठीक है, उसको भी डिस्कस करते हैं। और उसको अगर हम यहाँ पर शो करें तो किस तरीके से करेंगे, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी,
यानी कि अब हमारे पास पहला वेक्टर वी है, तो उस पे ए की प्रोजेक्शन यानी कि ए का कंपोनेंट जो है वो बी पे जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ए कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी कौन सा कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा है, तो हम कहते हैं बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो यहां से एक और चीज भी हमें पता चल रही है कि बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, यानी कि इक्वेशन के दोनों साइड पे अगर देखें तो ये वाले कंपोनेंट आपस में इक्वल हैं, बी डॉट बी ए कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी डॉट ए, इन अदर वर्ड्स के स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती है। यहां से हमें प्रूफ भी मिल गया। आगे हम करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, उसमें भी ये बात डिस्कस होगी कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल थे स्केलर प्रोडक्ट के कौन से, वर्क है, पावर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। वर्क में किस तरीके से, वर्क में हमें पता है कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट होती है। अगर डॉट प्रोडक्ट को हम यहाँ से डॉट को खत्म करते तो एफ का मैग्नीट्यूड और डी का कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर वर्क इज इक्वल्स टू इन, जब इनकी रिजल्टेंट हासिल करते हैं तो हमें एक न्यू क्वांटिटी वर्क मिलती है जो कि स्केलर है। सिमिलरली पावर भी फोर्स और वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट है, और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट से जो हमें न्यू प्रोडक्ट मिलती है वो जो रिजल्ट हमारी है वो प्योरली एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि पावर है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आप लोग इंशाल्लाह ताला इंटर में डिस्कस होगा आपका फ्यूचर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट है, और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिल रहा है वो एक प्योरली स्केलर क्वांटिटी मिल रही है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डॉट प्रोडक्ट है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और वेक्टर एरिया की। तो वेक्टर एरिया यहाँ पर ए जो है वेक्टर एरिया को इंडिकेट कर रहा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, फाई की सैम्बल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंडिकेट कर रही है जो कि प्योरली एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, इसके करेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। काफी सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, कुछ मैंने डिस्कस किए हैं, हो सकता है कुछ मुझसे मिस भी हो जाए। मेजॉरिटी मैंने कोशिश की है जितने भी कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जहां तक क्लियर हो जाए मैंने वो डिस्कस कर दिए सारे। सबसे पहले कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होती है। अच्छा, ये हम बात कर चुके हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, और हम प्रूफ भी दे चुके हैं पीछे वाली स्लाइड्स के अंदर। सेकंड, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, अब ये कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट हम दो वेक्टर्स के बीच में मालूम कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों वेक्टर्स इस तरीके से हैं कि एक दूसरे पे 90 डिग्री के एंगल पे, तो वो हमेशा उनकी डॉट प्रोडक्ट या उनकी स्केलर प्रोडक्ट हमेशा जीरो के बराबर होगी। कैसे होगी, आइए हम देखते हैं। ए डॉट पी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस, परपेंडिकुलर है तो एंगल थीटा हमने बना दी 90, और कॉस 90 ऑलवेज इक्वल टू जीरो, और जीरो को किसी नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू को जीरो कर देगा, तो डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, समटाइम्स ऐसे भी आता है ये जीरो, तो ऐसे भी लिखा होता है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है आपस में परपेंडिकुलर हो इज इक्वल्स टू नल वेक्टर, और नल वेक्टर भी उसे कहा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। तो वहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा होता है, इसी करेक्टरिस्टिक की बात कर रहा होता है। अच्छा, थर्ड नंबर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, दो पैरेलल वेक्टर हो या दो वेक्टर्स ऐसे हो जो कि सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच में एंगल होती है जीरो, वो हमेशा इक्वल होगी किसके, दो वेक्टर्स जो होंगे उनके मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन की। किस तरीके से, आइए देखते हैं। ए डॉट पी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, यहाँ पर जीरो क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो कॉस जीरो ऑलवेज इक्वल्स टू वन, वन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी। तो हम कह सकते हैं ए डॉट बी जो है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। फोर्थ नंबर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर। अच्छा, ये ज्यादातर एमसीक्यूज के अंदर जो है वो घुमाने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर, सेल्फ वेक्टर यानी खुद ही के साथ। अच्छा, जब सेम वेक्टर के साथ ही अगर हम करेंगे तो एंगल तो जीरो ही होगी उनके बीच में, तो वो भी हमेशा इक्वल किसके होगा, यहाँ पर वो सेम वेक्टर मैग्नीट्यूड में भी सेम है, डायरेक्शन में भी सेम है। तो इस कंडीशन में ये कह रहा है कि वो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि जो वेक्टर हमें गिवन होगा
उसका अगर स्क्वायर मालूम किया जाए, तो उसके मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर मालूम किया जाए उसके बराबर उसकी वैल्यू आएगी। किस तरीके से, ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए और ए दोनों की प्रोडक्ट, कॉस एंगल जीरो क्योंकि सेल्फ फैक्टर ये सेम डायरेक्शन में, तो कॉस जीरो बराबर वन, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पे पावर टू आ जाएगा। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि सेल्फ वेक्टर की जो प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, वो इक्वल है स्क्वायर स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसी तरीके से यूनिट वेक्टर्स के हवाले से बात करें, उनकी डॉट प्रोडक्ट, जैसे हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे एंड के रेस्पेक्टिवली, तो उनकी यूनिट वेक्टर्स की जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है वो किस तरीके से ली जाएगी, आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के इज इक्वल्स टू वन। यहां से आई डॉट ए आई, यानी कि सेम यूनिट वेक्टर्स, जब भी दो सेम यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल्स टू वन होगी, और अगर डिफरेंट मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी हमेशा आपस हमेशा कहें डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे वन क्यों होगी, क्योंकि सेम यूनिट वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में एंगल जीरो होगी, तो आई आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर, और हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, और किसी वन के ऊपर कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो हमेशा वो वन ही रहेगा, तो इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे हैं कि सेम यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन का वन हमेशा स्केलर प्रोडक्ट आएगा। और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स आई डॉट जे, तो आई और जे इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री होगी, क्योंकि जितने भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं उनके बीच में वो सारे एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होती है, और कॉस 90 ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, तो इसलिए इनकी डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। सिक्स नंबर पे हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो एंटी पैरेलल वेक्टर हो, या हम ऐसे कहें कि दो वेक्टर जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, भले फिर मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो, हम ऐसे कहते हैं कि मैग्नीट्यूड भले उनके अनइक्वल हो और एंटी पैरेलल हो, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में हमें जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड होंगे उनकी प्रोडक्ट नेगेटिव में मिलेगी। कैसे, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 180, एंटी पैरेलल यानी कि उनके बीच में एंगल जो है वो 180 होती है, कॉस 180 ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस वन, तो ये दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स की प्रोडक्ट है जो कि नेगेटिव होगी। स्केलर प्रोडक्ट होल्ड्स द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी करें, रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है इनकी एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, ये एप्लीकेशन हमारी कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ज्यादातर हम न्यूमेरिकल्स के अंदर ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, तो ये डिस्कस करना जरूरी थी, तो यहाँ पर मैंने ये स्लाइड के अंदर शामिल कर दी। पहला इसका एप्लीकेशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम इन दोनों के बीच में एंगल मालूम कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे भी हम मालूम कर सकते हैं, हमने ये आगे भी डिस्कस किया है, दोबारा से मैं ये बता रहा हूँ इसकी एप्लीकेशन के अंदर, और नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया, ए डॉट पी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पहला वेक्टर और मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो हम यहाँ से प्रोजेक्शन मालूम कर सकते हैं बी की ए पे। किस तरीके से, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, तो प्रोजेक्शन बी की ए पे मालूम करनी है तो ये यहीं पे रहने दे, मैग्नीट्यूड वहां जाके ए डॉट पी के साथ डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको प्रोजेक्शन मालूम करनी, ए की मालूम करनी है ऑन टू बी, तो आप आराम से मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अनीसा अकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।